बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 मोर ऑन MSW लोगो। इसमें हम पढ़ेंगे लोगो प्राइमरी के बारे में और साथ ही में हम जानेंगे प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या होता है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं और क्या होता है इसका यूज। आइए, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट प्रोसीजर, क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोसीजर, सेविंग अ प्रोसीजर, लोडिंग अ प्रोसीजर, यूजिंग अ प्रोसीजर टू ड्रॉ पैटर्न्स। इन योर प्रीवियस क्लासेस, पहले ही क्लासेस में यू हैव लर्न सम लोगो प्राइम टिप्स एंड देयर यूजेस इन ड्राइंग पिक्चर्स। आपने लोगो की कुछ प्राइम टिप्स का यूज पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए किया था। इन दिस क्लासेस, इस क्लास में यू विल लर्न सम लोगो प्रोसीजर, आप कुछ लोगो प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। लेट अस रिकॉल सम लोगो प्राइम टिप्स दैट यू हैव लर्न इन द अर्ली क्लासेस। आइए कुछ लोगो प्राइम टिप्स जो कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ी हुई हैं उनको जान लेते हैं। फर्स्ट है फॉरवर्ड और FD। मूव द टर्टल इन फॉरवर्ड, इस कमांड, इस प्राइम टिप्स का यूज टर्टल को फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। बैक और BK। मूव द टर्टल इन बैकवर्ड, टर्टल को बैक करने के लिए, पीछे की ओर लाने के लिए हम बैक और बी कमांड का यूज करते हैं। राइट और RT, टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टू राइट, यह हमारे टर्टल के हेड को राइट साइड टर्न करता है। लेफ्ट और LT, टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टू लेफ्ट, यह टर्टल के हेड को लेफ्ट साइड टर्न करता है। सेट, टर्न द हेड ऑफ द टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह हमारे टर्टल के हेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। होम, ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजिशन, यह हमारे टर्टल को उसके होम पोजिशन पर वापस ले जाता है। फिर आता है क्लियर टैक्स और CT, क्लियर्स ऑल द टैक्स इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स, यह हमारे रिकॉल लिस्ट बॉक्स के सभी टैक्स को क्लियर कर देता है। क्लियर स्क्रीन और CS, क्लियर्स ऑल द ड्राइंग फ्रॉम द ग्राफिक्स विंडो एंड ब्रिंग द टर्टल टू इट्स होम पोजिशन, यह ग्राफिक्स विंडो की सभी ड्राइंग को क्लियर कर देता है और अपने टर्टल को उसकी होम पोजिशन पर ले जाता है। क्लीन, क्लियर्स ऑल द ड्राइंग फ्रॉम द ग्राफिक्स विंडो एंड कीप द टर्टल इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, यह ग्राफिक्स विंडो की सभी ड्राइंग को क्लियर करता है लेकिन टर्टल को उसकी ओरिजिनल पोजिशन पर रखता है, होम पोजिशन पर नहीं ले जाता। जबकि क्लियर स्क्रीन जो होता है वो होम पोजिशन पर ले जाता है और क्लीन कमांड जो होता है वो उसको ओरिजिनल पोजिशन पर ही रखता है। टाइम, डिस्प्ले द करंट डे, डेट एंड टाइम, हमारे करंट का डे, डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए इस प्राइम टिप्स का यूज किया जाता है। हाइड टर्टल और HD, हाइड्स द टर्टल फ्रॉम द ग्राफिक्स विंडो टू व्यू अ क्लियर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन, यह टर्टल को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हमारी ग्राफिक्स विंडो की जो ड्राइंग है वो क्लियर दिख सके, प्रॉपर दिख सके। सो टर्टल और ST, सो द टर्टल आफ्टर इट इज हिडन फ्रॉम द स्क्रीन, टर्टल को वापस से शो करने के लिए, हिडन किए गए टर्टल को वापस से शो करने के लिए हम सो टर्टल कमांड का यूज करते हैं। फिर आता है वाई, यूज टू क्लोज द लोगो, यह लोगो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैन अप और PU, लिफ्ट द टर्टल पैन अप फ्रॉम द स्क्रीन, यह है हमारे स्क्रीन पर टर्टल को पैन अप करने के लिए यूज किया जाता है। पैन डाउन और PD, पुश द टर्टल पैन डाउन ऑन द स्क्रीन, टर्टल के पैन को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीन पर टर्टल के पैन को डाउन करने के लिए हम पैन डाउन और PD प्राइम टिप्स का यूज करते हैं। फिर आता है पैन इरेज और PE, चेंज द टर्टल टू इरेज मोड, यह हमारे टर्टल को इरेजर मोड पर ले जाता है, हमारे टर्टल को इरेजर मोड में चेंज कर देता है। फिर आता है 17 रिपीट, रिपीट्स आ प्राइम टिप ट्वाइस और मोर, यह हमारे प्राइम टिप्स को दो या दो से ज्यादा बार रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंट, डिस्प्ले नंबर्स, वर्ड्स और सेंटेंस इन लोगो, यह किसी भी वर्ड, नंबर या सेंटेंस को लोगो में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है सम, ऐड टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर को ऐड करने के लिए हम सम प्राइम टिप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट टू नंबर, दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए हम डिफरेंस प्राइम टिप्स का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट मल्टीप्लाइज टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट प्राइमेटिव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कोशेंट, डिवाइड्स वन नंबर विथ अनदर, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए हम कोशेंट प्राइमेटिव्स का यूज करते हैं। रिमाइंडर, फाइंड्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर प्राइमेटिव्स का यूज करते हैं। प्रोसीजर्स, अ प्रोसीजर्स इज अ सेट ऑफ प्राइमेटिव्स गिवन टुगेदर टू द टर्टल टू ड्रॉ और मेक समथिंग। प्रोसीजर प्राइमेटिव्स का एक सेट है जिसको एक साथ दिया जाता है टर्टल के द्वारा किसी चीज को, किसी पैटर्न को, किसी शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, किसी शेप को बनाने के लिए। वंस अ प्रोसीजर हैज बीन क्रिएटेड, एक बार जब प्रोसीजर क्रिएट होता है, इट कैन बी यूज जस्ट द वे अ बुलेट इन कमांड्स और प्रोसीजर इज यूज्ड, तब इसका यूज कमांड को बनाकर या प्रोसीजर के रूप में किया जाता है। जैसे आपने एक प्रोसीजर क्रिएट किया तो वो कमांड्स का एक सेट रहेगा, जैसे कि एग्जांपल नीचे दिया गया है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे हम एक ट्रायंगल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कमांड्स को क्रिएट करता है, कैसे कमांड्स का एक ग्रुप होता है, आइए जानते हैं। यूजिंग द फॉलो प्राइमेटिव्स, इसके लिए हम नीचे दिए गए प्राइमेटिव्स का यूज करेंगे। एफडी 100 आरटी 120 एफडी 100 आरटी 120 एफडी 100 आरटी 120 एचडी, तो इस तरीके से आप इस ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। इफ यू आर आस्क टू ड्रॉ दिस इमेज ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द ग्राफिक्स विंडो, जैसा कि आप जानते हैं कि इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक्स विंडो के चार कॉर्नर के बीच में ये आपको दिख रहा है, ये आपका ग्राफिक्स विंडो है, इसके बीच का ये शेप जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है। इट विल टेक मोर टाइम टू राइट दिस कमांड फोर टाइम्स, तो जैसा कि आप जान सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने ज़्यादा समय खर्च किया, ज़्यादा समय लगा और कमांड भी हमको फोर टाइम देनी पड़ी। जैसे एफ बी 100 एफ बी 100 एफ बी 100 आर टी 120 आर टी 120 आर टी 120, इस प्रकार से हमको ज़्यादा बार कमांड देनी पड़ी। इट कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग अ प्रोसीजर, तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये कमांड से ग्रुप नहीं है, ये आपने एक एक कमांड दी हुई है। वैसे ही अगर आपको इजीली इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको आप प्रोसीजर का यूज करके प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। आ प्रोसीजर हैज थ्री पार्ट, अब प्रोसीजर के तीन पार्ट होते हैं, प्रोसीजर को आप कैसे राइट कर सकते हैं, तो प्रोसीजर के थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है टाइटल, इट कॉन्टेन द नेम ऑफ प्रोसीजर, टाइटल ऐसा पार्ट है जिसमें हम प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, नाम राइट करते हैं। इट बिगिंस विद द वर्ड टू, फॉर एग्जाम्पल टू ट्राइंगल, इसकी शुरुआत टू वर्ड से होती है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है टू ट्राइंगल, क्योंकि हम ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल में, तो ये ट्राइंगल का एग्जाम्पल दिया गया है टू ट्राइंगल, ये हमारे प्रोसीजर का नाम है। रिमेंबर, याद रखिए, द प्रोसीजर नेम शुड नॉट हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस ऑब्लिक एंड स्टार, इसमें प्रोसीजर नेम में किसी भी प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि प्लस माइनस ऑब्लिक या स्टार। देयर शुड बी नो ब्लैंक स्पेस इन द प्रोसीजर नेम, और प्रोसीजर नेम में कोई भी ब्लैंक स्पेस भी नहीं होना चाहिए। बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोसीजर डैट कॉन्टेन ऑल द प्राइमेटिव्स टू बी एग्जीक्यूटेड। बॉडी प्रोसीजर का एक मेन पार्ट होता है जिसमें कि हमारी वे सभी प्राइमेटिव्स होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपीट थ्री एफ डी 100 आर टी 120, इस टाइप से इस अपने बॉडी का जो प्राइमेटिव्स है उसमें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंड, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, यह है प्रोसीजर का लास्ट पार्ट होता है। इट इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, यह प्रोसीजर के एंड को इंडिकेट करता है। थस द कंप्लीट प्रोसीजर इस प्रकार हम एक प्रोसीजर को लिख सकते हैं, टाइटल बॉडी एंड, तो ये जो है ये आपका टाइटल है, बॉडी लाइन ये आपका बॉडी है जिसमें आपकी सभी प्राइमेटिव्स होती हैं, एंड एंड ये एंड वर्ड आपके प्रोसीजर के एंड को इंडिकेट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हमने जाना कि लोगो प्राइमेटिव्स क्या होती हैं और किन प्राइमेटिव्स का यूज किस लिए किया जाता है, साथ ही में हमने जाना कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर लिखने के रूल क्या होते हैं और
इसको कैसे राइट करते हैं। पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कि प्रोसीजर को क्रिएट कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं। तब तक के लिए अपने बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।